हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल्स क्यूजिन चैनल। तो आज एक बार फिर से आ चुके न्यू रेसिपी के साथ में। टाइटल पढ़ चुके होंगे कि हम लोग आज डबल लेयर चीज़ सैंडविच बनाने वाले। तो ये रेसिपी बनाने से पहले एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, इसमें बटर चीज़ बहुत यूज़ किया है, तो जो डाइट वाइट करता है तो वो चीट डे के दिन ही खाए। बाकी टेस्ट मस्त था, एकदम परफेक्ट बनी थी जो भी चीज़ मम्मी ने बनाए थे सैंडविच। आप लोग ने बहुत सारे टाइप्स की सैंडविच खाए रहेंगे, लेकिन ये हम लोग ग्रिल में या किस में नहीं बना रहे, हम लोग ये पिज़्ज़ा पैन में बनाने वाले सैंडविच को। तो आई होप आपको ये रेसिपी मज़ा आएगा देखने के लिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि रेसिपी कैसी लगी। तो ये ज़्यादा बातचीत नहीं करते, जाते मम्मी प्रिपरेशन, मम्मी पूरा सैंडविच बनाएगी। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि रेसिपी कैसी लगी, लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना, और कौन सा बेस्ट पार्ट लगा, कौन सा जो भी है वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ। अभी सैंडविच की चटनी प्रिपेयर करने का, तो इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे नमक, गाठिया, आधा नींबू का रस, जीरा, हरी मिर्च, कोथमीर, और जितना कोथमीर है उससे हाफ क्वान्टिटी में पुदीना। ये सबको ग्राइंडर में ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद में, ताकि इसका ये जो चटनी बना रहे ना उसका थिकनेस थोड़ा सा ही रखने का, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अपन सैंडविच के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको। तो अभी सैंडविच के अंदर मसाले के लिए तो कांदा, गोभी, गाजर और शिमला मिर्च, सारे वेजिस को चॉप कर दिया। अभी इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे, मेयोनीज के ऊपर सारे पाउडर्स जो आप टेस्ट देते, उसमें हम लोग ने सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ किया है, ऐड कर दिया है। अभी इसमें ऑरिगेनो भी ऐड करेंगे और ग्रीन चिली चॉप्ड ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रॉपर इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी सैंडविच के प्रिपरेशन पे आते हैं मेन। तो बेस के लिए ऑब्वियसली ब्रेड का ही यूज़ होता है, तो ब्रेड के ऊपर बटर ऐड करेंगे अच्छे से। मम्मी चार सैंडविच आपको प्रिपेयर करके बताएंगे, तो चारों के ब्रेड के बेस के ऊपर हम लोग मम्मी ने बटर लगा दिया है। अभी देख सकते हैं आप स्क्रीन पे के प्रॉपर स्प्रेड कर दिया है बटर। अभी उसके ऊपर जो ग्रीन चटनी प्रिपेयर किया था ना, वो स्पेशल सैंडविच की ही चटनी है, तो इसको स्प्रेड करेंगे अच्छे से चारों के चारों ब्रेड के ऊपर। और इसके ऊपर अभी एक चीज़ बोलने का था कि हम लोग ने कुकुम्बर यूज़ नहीं किया और बीटरूट भी यूज़ नहीं किया, और कोई भी मतलब जो जो सैंडविच में इंग्रेडिएंट्स यूज़ होता है तो हम लोग ने वो कम यूज़ किया है। अभी आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐड, जो जो अच्छा लगता है वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे टोमेटो सारे चारों ब्रेड पे ऐड कर दिया हम लोग ने। अभी उसके ऊपर कांदा चारों पे ऐड करेंगे, जितना आपको ऐड करना है स्लाइस हम लोग ने करके इसको ऐड कर दिया है। आप सबको पता है कि चाट मसाला कितना प्रॉपर टेस्ट देता है, तो अभी मम्मी चाट मसाला ऐड कर रहे हैं चारों सैंडविच के ऊपर। अभी सेकेंड लेयर के लिए तो ब्रेड के अंदर दोनों साइड में बटर ऐड करेंगे। यहाँ पे बटर ऐड कर दिया है एक ब्रेड पे। अभी चारों सैंडविच के उस पर सेकेंड लेयर का ब्रेड ऐड करेंगे, और जो वेज मसाला बनाए थे ना वो मसाला इस पर ऐड करेंगे सेकेंड ब्रेड पे। तो इसको अच्छे से चारों जगह पे, ज़्यादा क्वांटिटी ऐड मत करना वरना वो स्प्रेड होकर पूरा ख़राब हो जाएगा, उसका लुक भी नहीं आएगा अच्छा सा। तो मम्मी ने थोड़ा थोड़ा मसाला ऐड किया इसमें, इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अभी इसके ऊपर ऐड करेंगे अमूल का डाइस चेदार चीज़। ये एकदम सेटिस्फाइड लगता है जब इसको गर्म करके, इसको जो मतलब कट करेगा और जो निकलता है ना, वो आप स्क्रीन पे देख लेना आगे कितना सेट, एकदम मतलब क्या परफेक्ट लुक आता है ना इसका। अब ये थर्ड लेयर एकदम ऊपर के लिए, एकदम फाइनल फॉर्म के लिए, तो ब्रेड के ऊपर बटर लगा दिया और नीचे चटनी लगाए थे, तो ऑब्वियसली ऊपर सॉस आएगा, सॉस का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो चारों सैंडविच प्रॉपर तैयार हो चुकी है। अभी इसके ऊपर भी थोड़ा सा बटर लगाएंगे और प्रोसेस चीज़ ऐड करेंगे इसके ऊपर, और उसी के ऊपर टेस्ट के लिए मम्मी ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स भी काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है, तीखा थोड़ा रहता है, कोई नहीं टेस्ट अच्छा देता है लेकिन वो। अभी आप सभी को स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था कि हम लोग ये सैंडविच को पिज़्ज़ा पैन में बना रहे,
आप लोग इसको नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हो या तो ग्रिलर में भी बना सकते हो। हम लोग पिज़्ज़ा पैन में बना रहे, तो पिज़्ज़ा पैन को थोड़ा गर्म कर दिया। अभी उसमें बटर ऐड करेंगे थोड़ा सा चारों सैंडविच के लिए, उसको स्प्रेड करेंगे अच्छे से। जैसे गर्म हो जाता है उसमें चारों सैंडविच हम लोग ऐड करेंगे बटर के ऊपर ही, और इसका जो लीड है वो लीड से इसको कवर कर देंगे और इसको थोड़ी देर पकने देंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे हो इसका जो प्रोसेस है वो आपको दिखाएंगे। इससे पहले कि आपको कौन सा पार्ट अभी तक अच्छा लगा और आगे कौन सा पार्ट अच्छा लगे, आप कंटिन्यू देखते जाओ। जो भी पार्ट अच्छा लगेगा रेसिपी का वो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, और आपकी फेवरेट रेसिपी क्या है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको बना सके और आपकी कमेंट को भी हम पिन कर सके और बता सके। अभी यहाँ पे डबल चीज़ सैंडविच प्रिपेयर हो चुकी है, तो अभी इसको पैन से निकालते, पिज़्ज़ा पैन से निकालते, इसको कट करते हुए भी दिखाएंगे, और अंदर जो चेदर चीज़ ऐड किए थे उसको कट करने पे कैसा लुक आता है, वो एकदम प्रॉपर परफेक्ट और एकदम सेटिस्फाइड लगता है वो। तो आपको दिखाते स्क्रीन पे, आप देखते जाओ। बहुत सारे लोग सैंडविच को एक्स्ट्रा केचप के साथ में खाते, एक्स्ट्रा सॉस में डिप करके खाते, तो आपको जैसा जैसा पसंद है आप सैंडविच खाइए उसको, ये लेकिन ज़रूर घर पे ट्राई करें और हमें इंस्टाग्राम पे DM करें उसका फ़ोटो क्लिक करके, या तो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा मेल है तो मेल हमें कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम हम आपकी रेसिपी जो घर पे बना रहे हो ये उसका फ़ोटो हम हमारे रेसिपी में बता सकते हैं। अब ये देख रहे, ज़्यादा चीज़ नहीं है ये, लेकिन बहुत परफेक्ट एकदम अच्छा दिखता है ये। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में आपकी फेवरेट रेसिपी हमें शेयर कर सकते हो, और हमें सजेस्ट करो नेक्स्ट रेसिपी हम लोग कौन सी लाएं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में, वो भी आपकी सजेस्ट की हुई रेसिपी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक पूरी रेसिपी देखने के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर।